नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आपके सवाल और मेरे जवाब, कोशिश करूंगा कि आपको जो है संतुष्ट कर सकूं जो जो आपके क्वेश्चन हैं। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है, कल सीपीआई डाटा आने के बाद, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कहीं ना कहीं मार्केट ने आपको थोड़ा सा लिक्विडेट जरूर किया। और आपका हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में बहुत सारे सवाल हैं विड्रॉल को लेके, कि विड्रॉल कैसे किया जाए, वो भी आपको बताते हैं। जो आज मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया डॉग्स, उसमें कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है ज्वाइन करने में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो वीडियो अच्छा होने वाला है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहां पर आपके लिए एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके सिफर कॉम्बो सीक्रेट कोड जो भी है, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे के सारे आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं। वहां पर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, केवल डेट नहीं देख रहे, और उसके बाद आप पूछ रहे हैं सर वो आंसर नहीं मिला। तो मेरे भाई, मैंने जो भी स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, जो भी पिक्चर शेयर की हुई है, तो उसके नीचे मैं बाकायदा तारीख जरूर लिखता हूं। तो आज देखिए 12 तारीख है, तो 12 जुलाई हर एक पिक्चर के नीचे या स्क्रीनशॉट के नीचे आपको जरूर मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। साइड में स्क्रीन भी है, आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। रियल क्रिप्टो माइनिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ग्रुप। अब आते हैं मार्केट। तो देखिए, कल सीपीआई डाटा आया, जो अनुमान था उससे भी कम रहा, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं, थोड़ा सा ग्रीन आपको ऊपर ले जाके फिर से जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए। और मैंने शाम को आपको एक ट्वीट भी शेयर किया कि अब लौट चलें, क्योंकि सीन कुछ ऐसा ही था। मैंने आपको शाम को वीडियो में ये बहुत स्पष्ट कहा था कि ठीक है, यह थोड़ा सा लिक्विडेशन हो सकता है, आपको ग्रीनरी दिखाई जा सकती है, लेकिन वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम नहीं था, उसी की वजह थी वापस वहीं आ गए जहां से चले वहीं पर, यानी कि 57,000 के आसपास अभी भी बीटीसी आपका ट्रेड कर रहा है। फिर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका 40 के आसपास चल रहा है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं, एकदम नीरस। तो यहां पर फिलहाल हमारे लिए करने के लिए ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है, तो इसलिए भाई ज्यादा मार्केट पर फोकस भी नहीं है। हाँ, अगर कोई अपडेट चलता है तो मैं आपको जरूर देता हूं, कोई दे या ना दे, लेकिन ऐसा बड़ा कोई अपडेट अभी आया नहीं। देखिए, मैंने परसों भी दिया, कल भी दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला जो कि कहीं कोई डीलिस्टिंग हो रही हो या कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट चल रहा हो, तो ऐसा कुछ मार्केट में था नहीं। मेन सवाल है जिसका कोई मतलब नहीं है अभी, और वो सवाल है हेमेस्टर को लेकर, सर विड्रॉल कैसे किया जाए। तो मैं तो भाई आप ही लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि विड्रॉल किस चीज का कर रहे हो भाई। जब हेमेस्टर आपके पास है नहीं, कहीं आपको अभी तक उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं, तो किस चीज का आप विड्रॉल कर रहे हो, मुझे तो अब तक यही समझ में नहीं आ रहा। ये जो लोग विड्रॉल करा रहे हैं वो किस चीज का विड्रॉल करा रहे हैं, केवल यूट्यूब वीडियो का विड्रॉल करा रहे हैं। मेरे भाई, मैं भी विड्रॉल पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो आने दो, या उसका व्हाइट पेपर तो आने दो। व्हाइट पेपर आपका कमिंग सून में जा रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपको जो चीज है नहीं अभी दूर दूर तक, उसके बारे में विड्रॉल कर लो, विड्रॉल कर लो, क्या विड्रॉल करना चाह रहे हो आप। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा आपसे बोला है कि आप वेरीफाइड टेलीग्राम ग्रुप, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हेमेस्टर कॉम्पैक्ट का ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑथेंटिक और रियल वहां से मिलता रहेगा सब कुछ। अब आप विड्रॉल विड्रॉल क्यों, हर एक आदमी व्यू के नाम पर विड्रॉल करवा रहा है, अब हेमेस्टर का आता पता नहीं है। तो मेरे भाई, इसलिए कहता हूं थोड़ा शांति तसल्ली रखिए, अभी कोई कहीं किसी तरह का विड्रॉल नहीं है, क्योंकि आपके पास जब एमएसटर नहीं आया तो विड्रॉल होगा क्या। तो ये मुझे लगता है सबका एक ही निचोड़ मिल गया सबको कि भाई एमएसटर में अभी क्या चल रहा है। केवल आप अभी अपनी माइनिंग करते रहिए, जैसे जैसे वो माइनिंग करा रहा है, जो जो टास्क वो दे रहा है, आप वो करते जाइए। अब आज मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, उसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन कैसे करें, उस पर लिखा रहा हु आर यू। अब इसी से आप समझ जाइए कि टेलीग्राम आपको पहचान नहीं रहा, हु आर यू, तो यहां क्लियर हो गया कि आपने अपना यूजर नेम बनाया ही नहीं है। आपने टेलीग्राम तो बना लिया, लेकिन उसमें एक यूजर नेम आपको डालना पड़ता है, शायद वो आपने नहीं डाला। तो जितने भी कमेंट आज वीडियो पर आए, उस पर मैंने आपको यही रिप्लाई दिया कि आप टेलीग्राम के प्रोफाइल में जाइए, अपने जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसके प्रोफाइल में जाइए, और प्रोफाइल में जाकर यूजर नेम वहां पर डालिए, उसके बाद उसको आप सेव कीजिए, फिर इसको आप लिंक के जरिए इसको ज्वाइन कीजिए। किसको, डॉग्स को, आपका ज्वाइन इजीली हो जाएगा। यही सबसे बड़ी मेन लोगों की थी कि भाई वो ओपन नहीं हो रहा, या उस पर आगे आ रहा हु आर यू, तो हु आर यू यानी कि टेलीग्राम आपको नहीं पहचानता। तो अपनी पहचान पहले बनाइए, प्रोफाइल में जाकर यूजर नेम डालिए, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, हो जाएगा। और डॉक्स का लिंक आपको जो है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इजीली आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोपहर में मैंने इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो दिया, आपको क्या और कैसे करना है, जिसमें मैंने आपको थंबनेल पर ही लिखा था
कि हमेशा कॉम्बैक को भूल जाइए, डॉक्स को जल्दी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए इसकी बहुत सारी लिस्टिंग की बात इमीडिएटली सब निकल पड़ी है। अब बाइनेंस पे देखिए, बायबिट देखिए, गेट.io देखिए, सबने प्री मार्केट शुरू कर दिया। इवन इनके सबके अकाउंट्स में डॉक्स को ट्रांसफर भी किया गया है। तो डॉक्स की हाइप एक अलग ही बन चुकी है और मुझे लगता है कि शायद डॉक्स कहीं हेमेस्टर से पहले ही आपका मार्केट में ना आ जाए। यहां तक बहुत बड़ा अमाउंट जो है डॉक का जो है बाइनेंस के अकाउंट पे भी ट्रांसफर किया गया है। तो इसलिए भाई जिसने अभी तक डॉक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे ट्विटर पर जाइए और वहां पर आपको लिंक मिलेगा डॉक्स का, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल है आपका टैक्स को लेकर, क्योंकि भाई देखिए मार्च आपका जा चुका है और अब जुलाई आ गया, 31 जुलाई आपकी लास्ट होती है जहां तक आप इसको टैक्स जमा कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, पहले तो आपको फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक डाटा अपना निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब आपका जैसे 2024 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का पूरा डाटा आप निकाल लीजिए। हर एक एक्सचेंज पर आपकी डिटेल निकल आएगी, इसलिए सबने ये ऑप्शन दे रखा है, वहां से आप अपना डाटा निकालिए। आपने क्या खाया, क्या कमाया, कितना गवाया, जो भी है, चाहे आपको बेसिक प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी आप एक निल यानी कि जीरो, जिसमें आपका कोई जाता नहीं है, सीए जरूर आपका थोड़ा बहुत कुछ ले सकता है अपनी फीस, तो आप निल आईटीआर फाइल करवा दीजिए। ये सीए से ही ज्यादा अच्छा रहेगा करवाना। देखिए हम पर्सनली इस चीज को नहीं कर सकते, वो बहुत से सवाल यही आते हैं, सर कैसे करना है हमें बता दीजिए। भाई साहब नहीं हो सकता ऐसे, हम सीए नहीं है, तो बहुत स्पष्ट पता है। बहुत सी कुछ ऐसी कमियां होती है जो सी अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी कर देता है। आपको केवल अपना डाटा निकालना है जो मैंने आपको फाइनेंशियली बताई दिया है, सीधा सीए के पास पहुंच जाइए, जो भी आपका छोटा मोटा हो उससे एक जीरो फाइल करवा दीजिए। बेशक आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आप कहते हो हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो जीरो फाइल करा दो, कुछ नहीं, बस सीए की थोड़ी सी फीस होगी वो दे देना, आपका टैक्स नहीं लगेगा कुछ भी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर आपका टैक्स जरूर लगेगा, जो हम करी रहे टैक्स रिड्यूस टैक्स रिड्यूस टैक्स, लेकिन हो नहीं रहा, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपका बजट भी बहुत जल्दी आने वाला है। भाई अपना जो है देखिए 31 जुलाई तक का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 31 जुलाई टैक्स की लास्ट डेट है। हाँ, अगर सरकार ने जैसे बजट लेट आ रहा है, अगर कोई डेट एक्सटेंड करेंगे तो आपके सामने हम जरूर लेके आएंगे। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं कि साहब एक्सटेंड किया जा रहा है। लास्ट आपके लिए एक और अपडेट है जो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं। यहां लवली इनू में देखिए इसकी थर्ड एनिवर्सरी है, तो इस थर्ड एनिवर्सरी पर थोड़ा सा आपको ना गेम खेलने को यहां मिल सकता है। यहां लॉन्ग टाइम के लिए मैं कुछ नहीं आपको बता रहा हूं, यहां लॉन्ग टाइम कुछ डालना है। अगर आप देखिए यहां हो सकता है प्राइस को पंप किया जाए, क्योंकि रिसेंटली इसका एक तरह से देखा जाए तो माइग्रेशन हुआ है, यानी उन्होंने एक तरह से सप्लाई बिल्कुल ही खत्म कर दी, तो यहां पर आप इसका पंप डंप का फायदा जरूर उठा सकते हैं। दूसरा एक और न्यूज निकल रही है इसके हिसाब से, 5 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात भी आ रही है कि साहब ये अपने एनिवर्सरी पर 5 एक्सचेंज लिस्टिंग भी करेंगे। तो अगर देखिए ऐसा कुछ रहा तो मे भी आपको एक छोटा सा हल्का सा इसमें एक पंप दिखाई दे सकता है, तो उस पंप का जरूर आप फायदा उठाए, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसमें कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इसमें कहीं मोटा अमाउंट डालें या आप बहुत लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करें, इनकी टीम पर मुझे यकीन नहीं है। केवल प्रॉफिट के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मे भी आपको मिल सकता है, थोड़ा सा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इस पर देख सकते हो। अब यहां पर एक लास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, वो है देखिए मैं अब इतने सारे मैंने सवाल लिए लेकिन नाम नहीं बताया, वो अभी भी नाम नहीं बताऊंगा, नाम लेना पे ठीक नहीं रहता। बहुत से सर ये माइनिंग प्रोजेक्ट आप क्यों शेयर कर रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं सर आप तो पागल हो गए। मेरे भाई क्या करूं, जो ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो में, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल सकते तो क्रिप्टो आपके लिए नहीं है मेरे भाई, फिर आप जाके कोई जॉब ढूंढ लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो में आपको चलना ही ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए मैं अभी किसी टोकन पर वीडियो बना देता हूं, उसको 200 लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे, सबको तो हमेशा कॉम्बैक्ट चाहिए। हमेशा कॉम्बैक्ट पे आके यूं आप अनाप शनाप कुछ भी बता दो, उसको लोग बड़े चाव से बड़े प्रेम से देख रहे हैं, क्यों, झूठ सड़ सब चल रहा है। लेकिन कोई भी ऑथेंटिक चीज जो अगर आप किसी पर वीडियो बनाओगे तो उसको लोग नहीं पसंद कर रहे आज के टाइम, यही तो ट्रेंड है। अब आप एक चीज और महसूस करो, इतने बड़े बड़े हमारे से बड़े बड़े भाई यूट्यूबर हैं जिनके 5-5 लाख 6-6 लाख तक सब्सक्राइबर हैं, वो भी हेमेस्टर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसकी वजह वही है कि आज की डेट में कंटेंट कोई देखना ही नहीं चाहता, सबके सब हेमेस्टर कॉम्बैक को देखना चाहते हैं, तो फिर क्यों मेहनत की जाए। और फिर रही बात भाई देखो माइनिंग की, आपका दिल करता है तो माइनिंग कीजिए, नहीं करता तो हम आपको फोर्सली नहीं कह रहे कि आप माइनिंग करें, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ट्रेंड इसके बाद कुछ और आएगा तो हम उस ट्रेंड में चले जाएंगे, उसके बाद कोई और ट्रेंड चेंज होगा तो उस ट्रेंड में चले जाएंगे। तो भाई ये तो ट्रेंड है, आज माइनिंग का ट्रेंड है चल रहा है, कल को ये जरूर नहीं रहेगा, इसके बाद कोई और ट्रेंड आ जाएगा। लेकिन मैं तो एक चीज यह महसूस कर रहा हूं कि आप रिसेंटली देखिए कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है, ना कोई मीम कॉइन तक नहीं आ रहा,
आप ये देखिए जो भी माइनिंग में प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्हीं के टोकन बनकर और मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले वक्त में सारे जो ये माइनिंग वाले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यही टोकन आने इसी तरीके से टोकन आने शुरू हो मार्केट में, तो भाई कुछ नहीं कह सकते कि क्या ट्रेंड आएगा। तो भाई तो ट्रेंड है, तो आप मुझे ये मत कहो सर इस पर वीडियो मत बनाओ, मैं तो भाई ट्रेंड के हिसाब से बनाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, आपको देखना है देखिए, आपको माइनिंग करनी है कीजिए, नहीं करनी है कोई फोर्स नहीं है। तो मेरे भाई अब आप जिम उन लोगों के लिए सिर्फ एक सलाह देना चाहूंगा जो कहते हैं कि भाई ट्रेंड के हिसाब से मत चलो, तो भाई मैं तो आपसे यही कहूंगा क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। आप क्रिप्टो से अपना ले दे के बाहर हो जाओ, कैसे ही जो आपका लगा हुआ है उसको कैसे प्रॉफिट में करके बाहर हो जाओ और कोई जॉब ढूंढ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें फिर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हसीन सपनों में खोए हुए हैं, वो ट्रेंड के साथ चलना ही नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि हम इस रात में देखें तो हमारा 1 लाख है और अगले सुबह उठें तो 2 लाख मिले और 5 घंटे बाद अगर अपना पोर्टफोलियो देखें तो हमारा 10 लाख मिले। ये हसीन सपने हैं मेरे भाई, ऐसा न कभी हुआ था ना होगा। ये बुलरन वाला भी एक सीन बहुत कहते हैं अजीब ही चल रहा है, बुलरन मेरे भाई देखो जो प्रॉफिट ले रहा है ना उसका बुलरन चल रहा है। आप ये देखिए पीछे का ऑल टाइम हाई बीटीसी ने ब्रेक किया, $73,000 तक बीटीसी गया, ये बुलरन ही था। क्योंकि जब पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, एक नया ऑल टाइम हाई बन गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? 15,000 से बीटीसी 72,000 बीटीसी तक चला गया, इसको आप क्या कहेंगे? लेकिन आप मुश्किल क्या है, आपने तो प्रॉफिट ही नहीं लिया। दूसरा आपने या फिर एक गलती ये की है कि आपने 500 का कोई टोकन ले रखा है और उसने आपने देख लिया कि मेरे इसमें 1 करोड़ टोकन है, अब कैसे ये 1 रुपए का हो जाए? तो भाई ये हसीन सपना आपका है, दुनिया का नहीं है। माइनिंग में आप हमेशा कॉम्पैक्ट में ही देखिए 300 मिलियन के आसपास तक लोग जुड़ रहे जा रहे हैं, तो ये 300 मिलियन लोग बेवकूफ नहीं है। तो भाई ट्रेंड मेरा सीधा सा मकसद यह है कि ट्रेंड के साथ चलो, ज्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं तो फिर मैंने आपको बता दिया कि जॉब ढूंढ लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, नमस्कार।